అప్పుడు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువైన శ్రీనాహాడి గురు ప్రేమ నటుడి పీఠ ప్రేమ భైరవం సిద్ధ ఒకటి ప్రేమ ప్రతిమంత్రిమండలం వీరాశిష్యులకు వీరావళి కొంచెం శ్రీమన్ మాణి మంత్రాశ్రీకు మంది గురువ మండలి మై పరమేశ్వర దేవికి సిద్ధమే నమస్కారం. ఆజ్ ఈ సౌభాగ్యదాయక మాతంగి సాధనా శివి కార్యాలయం आज ज्येष्ठ चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन इसलिए करना चाहा कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला यह मुहूर्त नियम से रहने पर यज्ञ से भी लड़ने वाली शक्ति रहने वाला यह सौभाग्य का दिन हमारे साधुओं के लिए दुर्भाग्य को निवारक सौभाग्य में प्रवर्तित करे. इसलिए इस साधना को माता की युक्त सौभाग्यदायक साधना शिविर मैंने कहा है. हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे साधक साधनाएं करते हैं, कोई काली तारा महाविद्या जब गुरु की साधना करते हैं तो गुरु को त्वय माता जमदा तमे और त्वय बंधु चुस्मा तमें और त्वय विद्या लड़ने तमें त्वय स्वर्ण महादेव देव बैठे हुए अपने गुरुदेव को माता पिता आदि सभी मानकर हम पूजा करते हैं. मानना अलग है और उनकी चरणों में उस तरह झुक जाकर प्रणाम करते हुए साधना करना अलग. उसी तरह दशमाओं की ज्ञान की साधना करते समय महर्षि वाल्मीकि हो, मतलब मामुनी हो, शबरी हो, भगवान रामचंद्र जी हो, इन सभी ने भी इन विद्याओं को प्राप्त किया. इस विद्या को माता की साधना से ही प्राप्त किया. भगवान श्री कृष्ण ने भी यह साधना संपन्न की अपने जीवन में. सभी पत्नियों को जब पुत्र होते गए तो सत्य भामा को संतान नहीं हुई. भगवान श्री कृष्ण के पास आकर सत्य भामा ने कहा कि आप इतने बड़े सभी देवताओं को सभी को पुत्र हुआ, मेरे पुत्र नहीं हुआ, आप इसके बारे में क्यों चिंता नहीं करते. तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस विद्या का उपयोग किया और कहा कि मेरे पुत्र किस प्रकार होगा. तो उन्हें कहा कि अगर तू हिमालय में जाता है और तू जाकर साधना करता है उस सामस राशि की कल मैं मुंबई में था, यही समय था. तो एक बहुत शिष्यों का बड़ा जत्था है जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे. तो मेरे को मिलने के लिए आया. उनको लगा कि किसने कहा कि अनिल कुमार जोशी आए हैं. वो साधारण व्यक्ति थी लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं समझता. वो आते आने के बाद मेरी स्तुति कर रहे थे या क्या बोल रहे थे मुझे, लेकिन वो आके बता रहे थे कि मैं हमें पहले बताया गया कि वो कोई दाढ़ी बड़ी पहन के ले रहे थे. कभी आपको ऐसा मिलेगी कि टी शर्ट पैंट डालकर जीन पैंट कर निकल जाएंगे, उनको गुरु समझना मुश्किल है. पहले उनको समझना चाहिए. तो मैं ऐसा ही बैठा था, पैंट शर्ट पे ही था बैठा. वो ढूंढ रहे थे कि अगर गुरु को गुरु कहाँ है. तो उन्होंने कहा कि हम अनिल कुमार जोशी से मिली हैं. तो बोला मैं ही हूँ. नमस्कार. तो उन्होंने कहा कि हम नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु प्रकाशानंद नाथ जी के शिष्य हैं जो मुंबई में रहते हैं. उनको बहुत बड़ा आश्रम था, उनके कम से कम उसमें 2000 शिष्य हैं. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज वे बहुत परेशान हैं और उन्होंने दत्त क्षेत्र में अपना नाम सुना है. तो हमारे पास आए हैं कि हमारे गुरु इतने परेशान क्यों हैं, ऐसा हुआ. और उन्होंने उनका फोटो निकाल कर मुझे बताया. अब धर्म है, अब आप हर एक बार आते हैं तो मैं हर एक बार माता की साधना में मंत्र नहीं करता. आप पूछेंगे कि गुरु जी मैं तो वीसा नहीं मिला अमेरिका जाने का, अब मैं माता की मंत्र करूँ क्या? आपको वीसा नहीं मिला क्या करेंगे, क्या करूँगा? मेरे पुत्र नहीं हुआ, मेरी बीवी सता रही है, उसके लिए माता की साधना थोड़ी करती. लेकिन वह गुरु जो कल तक धर्म का न्यागा था, नाथ संप्रदाय का था और उसका स्वयं का मंत्र था, वो नदी में तपस्या करते हुए उसके पास के 2000 शिष्य थे और एकदम
그러면내가야속을쓰냐뭐하거나그게부처매니가나갈때에배워라이냉면먹어라그게부처그러면가나봐그때다이게좀이제속도보다는거그게오빠가그시신이배워기야어그시신스트리티그게배우는게어그게पास के आदमी ने टिश्यू लिया था और एक हड्डी दी थी उसके साथ साथ उनके वो जहाँ रहते थे आज भी वहाँ एक चीज गड़ी हुई है और वो गड़ी रहने के कारण उनको पूरी तरह से बर्बाद हो गए उनका सब कुछ चला गया उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है और अच्छे नहीं ये सारे शिष्य बचे हुए थे हमारे गुरु के बारे में ये फोटो देख के ही बतला रहे हैं मैं एक बात बता रहा हूँजब तक ये मुझे कंफर्म नहीं करते आगे क्या करना है मैं नहीं बोलूँ तुम पहले तुम्हारे गुरु से पूछ लो कि ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं अब गुरु वो लगा दे सभी लोग मेरे गुरु अपने क्या है पैंट शर्ट पर डाला और मेरे गुरु की इतनी बड़ी दाढ़ी है इतना तपस्या क्या मेरे गुरु का प्रेम उपमा है ये बात कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है पहला फोन नहीं लगा दूसरा फोन नहीं लगा आप इतने ऐसा वैसा करते समय शाम के 6 बजे फोन लगा तो मैं बोला तुम्हारे गुरु से बात करने के बाद आके मिलो मैं क्या करना है मैं बता देता हूँ 6 बजे जैसा ही फोन उनको लगा 6:15 मुझे फोन आया मैं बोला ये सात सात बजे तो मेरे कि हाँ आपका ये लिए 7 बजे का ये था 1 घंटा लेट हो गई और मैं बैठा हुआ था उस टाइम तो फोन आया तो बोला एक फुट में बैठा हुआ भाई क्या है बताओ बोले गुरु जी आपसे हमारे को बात करना चाहते हैं पहले तुम बोल दो मैं कल सुबह बोलूँगा आपको कौन सा बात है बात करूँगा क्या है बताओ नहीं गुरु जी आपसे हम अर्जेंट बात करना चाहते हैं आपको जहाँ आप आओगे वहाँ आकर आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है क्या बात है बताओ उनको पूछेंगे जो मैं पूछाऊँ गुरु जी आप जो बोले शत प्रतिशत शिला है उनके पास हड्डी एक जंगली आदमी लेकर उनको टिश्यू लिया दिया था वो समुद्र में डाल दिया गया आज उनकी बीमारी उनके ऊपर प्रयोग किया जिस स्त्री को जिस स्त्री के बारे में आप लोग बता रहे हैं वो स्त्री ने उनके सर को तेल लगा दिया था और वो स्त्री जब से तेल लगाई वहाँ से भाग गई बाकी उनकी दोनों की झगड़ा हुआ और वो स्त्री चली गई जितनी भी बातें आपने बताई वो सत्य है आप हमारे गुरु वहाँ से मिलना चाहते हैं अब मैं आपके सामने उदाहरण देकर कहता हूँ अगर माता की विद्या विद्या हमारे पास है और ऐसे धर्मों को दर्शाए तो मैं तो उपयोग करता हूँ मैं यहाँ एक ही जगह नहीं श्री शैलेंद्र के जन्मदिनों में भी जो गुरु थी जब कोई एक धर्मगुरु या एक अच्छा करने वाले आदमी के ऊपर संकट आता है तब मैं इस माता की विद्या को उपयोग करता हूँ क्योंकि माता की विद्या को गुरु में पास हो पाऊंगा तो माता की विद्या को उपयोग नहीं करता क्योंकि विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए जब जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो आपको कहता हूँ कोई इतना लालायित है आदमी कि आप हैदराबाद कब पहुँच रहे हैं मैं कहो मैं का सबका 18 तारीख को पहुँच रहा हूँ बोले 18 तारीख की सुनो मैं आपके पास हूँ मैं भी आपको कह रहा हूँ उदाहरण के साथ कह रहा हूँ कि कल की ही बात और कल की उनके गुरु के साथ रहते और 18 तारीख को हैदराबाद आ गया अगर आपके पास ये विद्या हो तो आप आपके जीवन को संवार सकते हो आपके जीवन को जिंदगी के साथ दे सकते हो जबकि इस विद्या में सवाल मंत्र जब करना जरूरी काम है लेकिन आज ये पूर्ण वाक्य नहीं वटवृक्ष के पत्ते पर अगर हम अष्टगंध से या गंध से या कुमकुम से पीते हुए कुमकुम से मंत्र को लिखते हैं और वटवृक्ष के पास बैठकर केवल 5 माला या वटवृक्ष के पत्ते को सामने रखकर यंत्र को रखकर माता को मंत्र करते हैं इस 5 माला से वटवृक्ष के पत्ते से हमारी सिद्धि होगी और वटवृक्ष का पत्ता जब तक आपके पास रहेगा और आप तब फिर तय करेंगे हर कृष्ण को लेगा उस पत्ते को बदल देना है यंत्र के साथ जिसको लेगा उसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त भी प्राप्त होगी ही होगी इसलिए मैं आगे सौभाग्य गाय माता की विद्या को आपको प्रदान करने की बात कही आप सभी लोग आज अगर अपना आपका भविष्य सुधारना चाहते हैं आपके भविष्य में आने वाले संकटों को संकटों का निवारण करना चाहते हैं तो आज आप यहाँ के आयोजकों से कहता हूँ कि एक वटवृक्ष का पत्ता माता की है और माता की साधना को लेकर आप मेरे सामने बैठ जाओ केवल 5 माला जब से इस पत्ते को सिद्ध करके रखूंगा और जब भी आप संकटों में हर छोटी बात को नहीं गुरी में गांव को गांव में आए मेरे को बस मिलेगी आए इसके लिए माता की विद्या को उपयोग नहीं करना माता की विद्या को ऐसे संकट आने पर उपयोग करना जो आपको जब एकदम ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा मैं इस चीज को कर सकता है नहीं कर सकूंगा जब वैसा आपको लगता है मैं ऐसा काम होता है नहीं होगा या संकट आकर पड़ता है तब या आपके घर में कोई संकट आया है आपके बच्चे आपकी पत्नी पति का झगड़ा होता है
संसार उठने के लिए लाया होता है। ऐसे संकट काल में इस पत्ते को सामने रहकर केवल पांच बार हस्ताक्षर करो, आपके प्रश्न का उत्तर आपको सामने मिल जाएगा। ऐसी साधना जो आज मातंगी सीधी साधना आप किसी भी दिवस की नहीं, तो वो सौभाग्यदायक मातंगी सीधी साधना को जो आज मेरे सामने संपन्न करेगा, मैं उसको वो शक्ति प्रदान शक्तिपात इच्छा से कि वो साधना सिद्ध हो। आप मैं एक 15 मिनट का समय देता हूँ, आप पातंगी यंत्र और फोन पत्ता लेकर आप मंत्र और साधना करना, मैं आपको बता देता हूँ, दीक्षा दूंगा और मातंगी मंत्र का विधान भी बताऊंगा। जो इस साधना को करना चाहते हैं वो लोग वट का वट वृक्ष का एक पत्ता और मातंगी का पत्र, मातंगी की मंत्री का यंत्र और माला लेकर आ जाओ, आपके जीवन को संवारने की यह साधना में दी जाएगी। आप सब लोग यंत्र और पत्ते को लेकर मेरे सामने आ जाइए, तब तक मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। एक घंटा